भाई वो रेबुल तो इससे लगवा ही लेते हैं, कुछ अंदर सजा लेते हैं गाड़ी ना यार। यहाँ पे ऑटो वाले भी आते देखो कांटा करवाने के लिए। एक ऑटो में देखो गाइस कितने लोग बैठे हैं, ये पूरा जो काम है ये क्रोम में हुआ। देखो अब क्रोम के साथ जो है वो गाड़ी पूरी चमक रही है। ये सूख रही है मॉर्निंग में ही गाड़ी हमारी। कल रात को तिरपाल तो डाल दिया था हम लोगों ने यार, बट हुआ ये कि उससे पहले तिरपाल डालने से पहले ही बारिश हो गई थी तो उस वजह से गिल्ली थी गाड़ी। देखो वैसे हम लोगों ने साफ कर लिया इसको, बट फिर भी ये जो दाग जो है ना ये सूखने में टाइम लेंगे। एक बार कपड़ा लग गया इसको, अब दूसरी बार लग रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम ले, कितना टाइम लेगा ये सूखने में, कितना टाइम लेगी ये सूखने में। बाकी 11 बजे तक को गाड़ी लोड होनी है तो तब तक सूख जाए। जय शंकर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम है इंदर और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग हैं जी कुरुक्षेत्र में। कल हम लोगों ने अनलोड की थी अपनी गाड़ी, केले लेके जो आए थे हम लोग, कहाँ से आए थे? लखीमपुर। कल हम लोगों ने अपनी गाड़ी अनलोड की थी जी कुरुक्षेत्र में, लखीमपुर यूपी से हम लोग केले लेके आए थे। और अभी जो है वो हमारी गाड़ी इस हाईवे में लगी है, यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है। हम लोगों ने सुबह इसमें तिरपाल डाल दिया और कपड़े भी धो लिए, खुद भी ना धो लिए। और गाइस अभी जब मैं साबुन लाने गया था तो एक भाई मिले थे, बिलासपुर से थे भाई, वो आए स्पेशली रुके और उन्होंने बात की। देखो यार जब ऐसी जगह पे बाहर जब अपने बंदे मिलते हैं, और भाई ने बोला कि भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं स्पेशली मेरे बच्चे देखते हैं। भाई का नाम था वैभव, चलो नाम भी बता देता हूँ। भाई अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा मिलके, और आपकी फैमिली से बात करके भी अच्छा लगा, आपके बेटे ने बात की उनसे बात करके भी अच्छा लगा। देखो गाइस यार होता पता क्या है, जब हम लोग काम करते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएशन जब मिलता है ना तो अच्छा लगता है यार। पूरी चढ़ा के ले आती ना ना, कुछ नहीं करना है। और बाइक देखो पूरी सजी हुई है, क्यों? अभी हम लोगों को जाना है गाड़ी लोड करने के लिए। अब सुबह हम लोगों ने गाड़ी को साफ कर लिया था ताकि गाड़ी सूख जाए, अब गाड़ी सूख गई है तो अब हम लोग लोडिंग के लिए जा रहे हैं। लोड कर रहे हैं गाइज हम लोग अपने कुल्लू के लिए, यहाँ से कुरुक्षेत्र से ले जाएंगे अपने कुल्लू के लिए, और आज भाई जाएंगे कुल्लू, मैं जाऊँगा। अच्छा ये वाले तो भाई वो रहे बोलते इससे लगवा ही लेते हैं, कुछ अंदर सजा लेते हैं गाड़ी ना यार। इंडियन फ्लैग रखते ये लोग, इंडियन फ्लैग रखते आप? इंडियन फ्लैग रखते हैं? एक दो, ये दूसरे वाला, चार चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों के 20 और दो 22 पायरा। गाइस पूरे आधे घंटे लगा के जो भाई ने कर दिया है, अब देखते हैं जरा क्या किया है। हो गई गड्डी तैयार। कैसी लग रही है बताओ, कमेंट में बताओ मेरे को। आप लोग कितना बड़ा है साथ? 35 फुट, बड़ी गाड़ी 35 फुट तक पता नहीं कितने 100 फुट लगती है कि गाड़ी में फोटो दिखाओ। ये हमारी तो सबसे ज़्यादा लगती है 200-250 फुट लगती है। ये बॉल होगा देखो डिलीवरी वाला, इसमें तिरपाल का स्यापा नहीं है। गाइस सुबह से करवा रहे हैं काम, जैसे 11 बजे से लगे हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे काम करवाते करवाते 2 बज गए। 3 घंटों में क्या क्या हुआ वो आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ। गाइस ये आप लोग देख सकते हो भाई, अब कैसी लग रही है हमारी गाड़ी। देखो ये पूरा जो काम है ये क्रोम में हुआ, देखो अब क्रोम के साथ जो है वो गाड़ी पूरी चमक रही है। और यहाँ पे लिखवा दिया मॉम डैड, और अब देखो पूरी गाड़ी कैसी लग रही है यहाँ से। अब यहाँ पे और अंदर जाके आप लोगों को थोड़ा दिखाऊं, जिस टाइम काम हो रहा था उस टाइम थोड़ा दिख रहा था, तो अब आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे से। ये देखो ये पिछली बार ही करवाया था हमने जितना भी काम था, अब इस बार जो है ये वाला हुआ। देखो यहाँ से पूरी रूफ जो है वो हमारी बन गई। कितने का भाई पूरा? 5000 का। 5000 में क्या वर्थ इट है ये काम? जितना हमने गाड़ी पे लगाया 5000, उतना वर्थ इट है या नहीं है वो भी मुझे कमेंट में बता दो। बाकी गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट में एक बार जरूर बताना। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार भाई गाड़ी का काम करवाओ अच्छे से, ऊपर वाला रूप भी बनाना बोलते एक बार एक बंदा बोल रहा था। तो भाई देखो अब कैसी लग रही है। और अभी आप लोगों को कोई कमी लग रही है गाड़ी में
तो आप लोग बता सकते हो कि भाई यहाँ पे आप लोग ये करवाओ, तो फिर हम गाड़ी में वो सब चीज़ भी करवाएंगे। वैसे अभी तक गाड़ी में बहुत पैसा लगा दिया है, तब वैसे तो यार कोई कमी नहीं है, बट आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, फिर उसके बाद दोबारा सोचेंगे हम कुछ करने का। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं गाड़ी लोड करने के लिए। यहाँ पे ऑटो वाले भी आते, देखो कांटा करवाने के लिए। अच्छा उठाना है इसको। चल 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 निकल जाना भाई, निकल जाना भाई। निकल जाएगी, देखो एक ऑटो में देखो गाइस कितने लोग बैठे हैं, गिनती भी नहीं कर पा रहा मैं तो, इतने लोग बैठे हैं। आप लोग काउंट करके बताओ। और इसमें देखो कितना लोड है ट्रैक्टर में, नई नई चीज़ें ये ना पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। ये लग गया जी हमारी अब गाड़ी लोड होने। कुल्लू के लिए लोड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फट्टे के ऊपर से आ रहा है बंदा। यार इस तरह से तो फट रहा है, देखो अच्छा फटा हुआ था, ऑलरेडी फटा था गाइस। गाड़ी लोड होते तक जो है वो रात के 7 बज गए, शाम के 7, रात के तो नहीं, शाम के 7 बज गए। और गाड़ी लोड करने के बाद लास्ट काम जो होता है हमारा वो होता है गाड़ी का कांटा करवाना। अब जैसे गाड़ी लोड होगी तो उसके बाद अब गाड़ी का कांटा करवा रहे हैं, और अब इसके बाद हम रात को निकलेंगे जी। अभी कांटा करवाते हैं और उसके बाद शीशे वगैरह अपने क्लीन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं जी यहाँ से। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से लोड करके निकल गए हैं जी। सफ़र अगर आप लोगों को बताऊँ तो बजौरा तक का सफ़र बन रहा है यहाँ से 315 किलोमीटर का, जो यहाँ पे शो हो रहा है। और रात को चलेंगे तो सुबह तक आराम से पहुँच भी जाएंगे। अभी जो है टाइम अगर आप लोगों को बताऊँ तो 7:30 पर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 7:25 से निकल गए थे वैसे कांटे से, तो मेन रोड पर जो है 7:30 से निकल रहे हैं हम लोग, और अब जो है वो नॉन स्टॉप चलेंगे। गाइस अम्बाला के बाद ये होता है कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कुछ एक गाड़ियाँ जो है वो अमृतसर साइड को जाएगी और कुछ एक गाड़ियाँ जो अपने चंडीगढ़ साइड को जाएगी, तो इसके बाद थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है। बाकी घर बैठ के कौन कौन देख रहा है भाई, जो घर बैठ के चंडीगढ़ घूम रहा है थ्रू माय व्लॉग। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि भाई बोलते हैं हम तो नहीं घूम पाते, बट आपके व्लॉग देख के हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। ये है देखो अम्बाला का रेलवे स्टेशन, ओह माय गॉड कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, और हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर से चलते हुए। अच्छा ये गया ऊपर से फ्लाईओवर, जो कट रहा है ऊपर से फ्लाईओवर, देखो ये अमृतसर के लिए है। हम लोग चले गए जी चंडीगढ़ जीरकपुर के लिए, बड़ा चंडीगढ़। भागने वाले वाहन को 10 गुना टोल देना होगा। कौन भागेगा भाई यहाँ से पहली बात तो, और क्यों भागेगा, पैसे भी जाने के चक्कर में। गाइस अम्बाला से चंडीगढ़ पहुँचने में इतना कम टाइम लगता है कि बंदे को पता नहीं लगता है कि मैं कब अम्बाला में था और कब मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। मैं फ़ोन चला रहा हूँ पर उतने में मैं देख रहा हूँ भाई को बोल रहा हूँ जैसे हम चंडीगढ़ में पहुँच गए, फिर मैं देखा इधर उधर, हो हाँ सच में हम तो चंडीगढ़ पहुँच गए। तो अभी जी फाइनली वी एंटर्ड इन चंडीगढ़ सिटी, सिटी से तो हम जाएंगे बाया मोहाली के, नहीं जाना ना भाई, बाया मोहाली होके जाएंगे हम।
और फिर निकलेंगे जी रोपड़ में। चंडीगढ़ नहीं आना, चंडीगढ़ बारी बारी जाना। अपना मोहाली से जो एयरपोर्ट रोड आता है उस रोड पे जाएंगे हम लोग और फिर निकलेंगे सीधे रोपड़ में। और यार कहाँ से आ रही है तू बीच में? अब देखो एयरपोर्ट के लिए यहाँ से जाता है, जीरकपुर के लिए राइट लेना पड़ेगा और पटियाला के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा जी। गाइस यार मुझे ना चंडीगढ़ की एक बात सबसे अच्छी लगती है, ये बहुत ही डिसिप्लिन सिटी है। मतलब देखो किस तरह से पूरे सिस्टम के साथ रोड बनाई गई है और सिस्टम के साथ आपको एंट्री करना पड़ती है, सिस्टम के साथ ही आप आउटिंग लेते हैं और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया इसको पूरे अच्छे से प्लान करके। देखो मतलब अगर कोई बंदा जो नॉर्मली बंदा है जिसने कभी ऐसी सिटी ना देखी हो और उसको आप रात को उठा के ले आओ और मॉर्निंग में यहाँ पहुँचा दो तो उसको ये लगेगा कि यार कहीं मैं फॉरन में तो नहीं पहुँच गया हूँ। जिसने नहीं देखी हो मतलब इस तरह की सिटी, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप यहाँ पे ले आओगे तो उसको ये लगेगा कि यार मैं फॉरन में तो नहीं पहुँच गया कोई। फाइनली गाइज इतने दिनों के टूर के बाद आज हम लोग दोबारा से वापस पहुंच गए हैं अपने हिमाचल टनल नंबर 1 से। यहां से घुसेंगे, पंजाब से घुसेंगे और हिमाचल में निकलेंगे। देखो ये भी हिमाचल का एरिया है बट लगता ऐसा है कि नहीं यार उस तरफ को हिमाचल है, इस तरफ को पंजाब है। गुड मॉर्निंग गाइज, ये मैं पहुंच गया जी मंडी, ISVT मंडी। भाई चले गए कुल्लू, बाहर तो लगी है ना भाई की गाड़ी? नहीं 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 नहीं, निकल गए भाई बाहर से, अभी निकले भाई। मैंने ले ली ये वाली बस, कौन सी है ये मंडी? पंगी धर्मशाला है, पंगी धर्मशाला ये वाली बस। देखो पंगी मंडी धर्मशाला,